नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। फिलहाल हमारी टीम मौजूद है लक्ष्मी मार्केट पुल तेलियान पर, जहां पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि पूरी मार्केट जो है फिलहाल बंद कर दी गई है। मामला था जीएसटी फ्रॉड का, जहां पर बताया जा रहा है कि हिसार के डोगरान मोहल्ले के रहने वाले एक व्यक्ति पर जीएसटी फ्रॉड के आरोप लगते हैं, और उसके बाद जो है यूपी पुलिस हिसार की या स्थानीय पुलिस को लेकर उस व्यक्ति के घर पहुंचती है। और बताया जा रहा है कि पिछले 7-8 महीने से वह व्यक्ति हिसार में रह भी नहीं रहा था, और उसके बाद कल शाम को जब यूपी पुलिस यहां पर पहुंची तो उस व्यक्ति के, उस युवक के पिता जो है वॉक पर गए हुए थे। पड़ोसियों के द्वारा सूचना दी गई कि आपके घर यूपी पुलिस आई है, और उसके बाद कहीं ना कहीं परिवार के द्वारा पूरा सहयोग किया गया स्थानीय पुलिस को और यूपी पुलिस को, लेकिन उसके बावजूद परिवार के साफ तौर पर ये कहना है कि हमने अपने बेटे को बेदखल किया हुआ है और उसके बावजूद हमें परेशान किया जा रहा है, जिसके विरोध स्वरूप जो है लोगों ने आज यहाँ पर मार्केट बंद कर दी गई है। और यहाँ पर परिवार वाले आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो पहुंचे हुए, और कई व्यापारी नेता भी धीरे धीरे यहां पर इकट्ठा होते जा रहे हैं। साफ तौर पर परिवार का ये कहना है कि हमने अपने बेटे को बेदखल कर दिया है, तो हमें परेशान क्यों किया जा रहा है। इस पूरे मामले में स्थानीय पुलिस के साथ जो है यूपी पुलिस पहुंची है, और विरोध स्वरूप यहां पर जितने भी मार्केट के अंदर दुकानें हैं सभी दुकानों को जो है बंद कर दिया गया है। और परिवार वालों के साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि महिला पुरुष सभी यहाँ पर मौजूद है, और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि यही वो घर है जो पिछले 8-9 महीने से लगातार बंद था और लॉक लगा हुआ था। वो व्यक्ति जो है जिसके ऊपर जीएसटी फ्रॉड के आरोप लग रहे हैं, उसकी जांच के लिए जब पुलिस यहाँ पर पहुँचती है तो यहाँ पर ताला पाया जाता है। उस व्यक्ति के पिता को सूचना दी जाती है, और उसके बाद पूरी तरीके से परिवार के द्वारा कोऑपरेट किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। और पुलिस प्रशासन के द्वारा आरोप ये भी लगे रहे हैं परिवार के द्वारा कि पुलिस प्रशासन लगातार जो है कोऑपरेट नहीं कर रहा, उन्हें परेशान कर रहा है, जिसके चलते यहाँ के स्थानीय जितने भी दुकानदार हैं उन्होंने विरोध स्वरूप जो है फिलहाल मार्केट बंद कर दी है। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि यह राजगुरु मार्केट के व्यापारी भी यहाँ पर पहुँचे हैं, और तस्वीरें फिलहाल तेलियान पुल की ही हैं, जहाँ पर जो मार्केट है मार्केट को फिलहाल जो है बंद कर दिया गया है। परिवार के कुछ लोग भी यहाँ हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी मैडम, मैडम आपसे बात, कहीं ना कहीं परिवार जो है लगातार परेशान हो चुका है इस समय। पूरी तरीके से कोऑपरेट करने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन का कोई भी जो है सकारात्मक रवैया नजर नहीं आ रहा, और जिसके विरोध यहाँ की स्थानीय मार्केट को फिलहाल जो है बंद कर दिया गया है। कई व्यापारी नेता भी यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि मौजूद हैं, और धीरे धीरे भीड़ जो है यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और साफ तौर पर कहना है कि हम पुलिस की हर कार्रवाई में सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन पुलिस का कहीं ना कहीं कुछ रवैया इस प्रकार था कि जो इनके परिवारजन हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हमें जो है परेशान किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। अब जो भी कुछ निकल कर आता है, अब ये तो जाँच का विषय, लेकिन लगातार कल से जो है जाँच अभी तक जारी है, और पुलिस सभी तथ्यों को जो है देख रही है, खंगाल रही है। और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि गेट पर भी जो है पुलिस प्रशासन जो है मौजूद, और अंदर जो है जांच की प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय से चल रही है। और तस्वीरों में इधर भी आप देख पा रहे हैं कि दूर दूर तक ये जो बाज़ार है ये बंद कर दिया गया है, और स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन को जो है हम लोग कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का ये जो रवैया है कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। अजय जी, प्रधान अजय सैनी हमारे साथ मौजूद है, क्या मतलब दिक्कत कहाँ आ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं कल जब फ़ोन करके उस व्यक्ति के पिता को सूचना दी थी कि आपके घर यहाँ पर रेड पड़ी है, वो लोग वॉक पे गए हुए थे, आए हैं, उन्होंने लॉक भी खोला है, हर चीज़ में सहयोग कर रहे हैं, फिर विरोध किस चीज़ का? क्या देखिए, विरोध कुछ भी नहीं है, विरोध असले का है। वो कह रहा है कि मेरा असला नहीं मिला, कल को कोई वारदात हो जाती है खुदा ना खास्ता, वो बेचारा पहले ही इतना परेशान है, हार्ट का पेशेंट है, बुजुर्ग है, ठीक है, वो इस चक्कर में परेशान है, उसको फर्क नहीं पड़ा, जहाँ 3 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी सील कर रहे हैं, 2-3 लाख का असले के लिए वो क्यों
मजबूर होएगा वो, वो इसलिए अपने बचाव के लिए कर रहे हो सारा। हमें कोर्ट की पालना करते हैं, कोर्ट को मानने वाले हम हैं, कोर्ट के खिलाफ जाने वाले हम कोई नहीं है। हमें तो हमारा असला बता दो कहाँ है, आपके पास है तो हमें लिख के दे दो कि हम आपके पास, बात इतनी सी और कोई बात ही नहीं है। अगर उस कल को उस असले से कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई वारदात हो जाती है, तो सेफ साइड के लिए जो उस व्यक्ति जिसके ऊपर जीएसटी फ्रॉड के आरोप लगे हैं, अभी वो आरोप सिद्ध नहीं हुए, क्या सही कह रहा हूँ मैं? देखिए ये मामला तो मुझे संज्ञान में नहीं है, मेरे को ये मामला संज्ञान में है कि पिस्तौल जो है, कल तो पिस्तौल की गोलियां भी नहीं मिल रही थी, अब वो सुबह गोलियां भी मिल गई, मतलब कहीं ना कहीं पुलिस की निगरानी की बात है ना, पुलिस में कहीं गोलमोल चल रही है कहीं ना कहीं। कल शाम से ये जांच चल रही है, अभी तक जांच जो है पूरी नहीं हुई। देखिए जांच नहीं, वो सारा सामान जब्त कर रहे हैं पुलिस वाले, सिर्फ हमारी लड़ाई सिर्फ एक है, कोर्ट को जो करना है करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस बंदे का असला है, बीमार आदमी है, ठीक है, हार्ट पेशेंट है, अभी 10 दिन पहले हम उनका इलाज चल रहा था सर्वोदय MC हॉस्पिटल के अंदर, वो पहले इतना बीमार है, उसको और परेशान किया जा रहा है, मतलब कि बेटे ने कसूर किया, बाप भुगत रहा है, बेमतलब में बेचारा अकेला रहता है, ठीक है, मतलब कि ले दे के नुकसान किसका हो रहा है, चारों बाप का हो रहा है नुकसान। क्या अधिकारियों से बातचीत हुई है अभी तक, क्या कुछ अब उनका कहना है? अधिकारी कहते हैं हम कोई नहीं सुनते तुम्हारी, ठीक है, वो सबको बेवकूफ समझते हैं, अधिकारी कह रहे हैं जो हम करेंगे, ठीक है। ये कौन से स्टेट की पुलिस, हरियाणा के अलावा कौन से यूपी और हरियाणा की पुलिस आई हुई है यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि अभी जो है परिवार वाले अभी भी बाहर खड़े हैं और अंदर पुलिस की जो टीमें हैं मौजूद है, वो अपना काम जो है अंदर कर रहे हैं, बातचीत लगातार जो है परिवार वालों के पुलिस वालों के साथ चल रही है और हर कोशिश की जा रही है कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस अपना काम जो है कर रही है। और स्थानीय दुकानदारों का साफ तौर पर यही कहना है कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लग रहे हैं, जो एक जांच का विषय है, जो पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस की जो भी कार्रवाई है वो बेशक से अमल में लाई जाए, लेकिन इस तरीके से जो एक व्यक्ति बीमार है जिसके ऊपर आरोप लगे, उसके पिता जो कहीं ना कहीं हार्ट पेशेंट है, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उन्हें इस तरीके से परेशान ना किया जाए। बातें कुछ इस तरीके की निकल कर आ रही हैं कि कोई असला है जो बरामद नहीं हो पा रहा और जिसके तौर पर उस व्यक्ति के द्वारा, यानी जिसके ऊपर पूरे GST फ्रॉड के आरोप लग रहे हैं, उनके पिता का साफ तौर पर कहना है कि वो असला कहाँ है, उसके बारे में मुझे जानकारी दे दी जाए। कल को उस असले के द्वारा कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई भी वारदात हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो सेफ साइड के लिए वो एक पुलिस प्रशासन से सहयोग चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं पेच इसी बात का फंसा हुआ है। धीरे धीरे परिवार के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, कहीं ना कहीं समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, व्यापारी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। साफ तौर पर यही कहना है कि जिसके ऊपर भी आरोप लगे हैं, जो भी कानूनी कार्रवाई है, हम उसमें सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन जो सेफ साइड के चलते असली की बातें जो निकल कर आ रही हैं, उसके अंतर्गत क्या होगा भविष्य में, अगर उसके द्वारा कोई मिस हैपनिंग होती है तो उसके बारे में जानकारी दी जाए। और साफ तौर पर अभी भी जो महिलाएं हैं परिवार की, पुलिस प्रशासन से बातचीत करते हुए नजर आ रही हैं, बार बार यही कहना है कि हम लोग आपको कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस पूरे मामले में सेफ साइड के लिए जो भी असला है उसको बरामद किया जाए, उसकी जानकारी जो है लिखित तौर पर हमें दी जाए, ताकि भविष्य में उसकी वजह से कोई भी दिक्कत जो आरोपी व्यक्ति है उसके पिता को ना हो या उसके परिवार को ना हो। साफ तौर पर एक ही डिमांड और साफ तौर पर परिवार वालों का ये कहना है कि हम लोग आपको कोऑपरेट करने के लिए हर तरीके से तैयार हैं। फिलहाल स्थानीय लोगों ने, स्थानीय दुकानदारों ने जो है विराज स्वरूप मार्केट बंद कर दिया है। अब इस पूरे मामले में जो भी कुछ आगे निकल कर आता है वो भी सिटी बिग न्यूज आपको दिखाता रहेगा। फिलहाल आपको बता दें कि कल शाम को यूपी पुलिस स्थानीय पुलिस के साथ यहाँ पर जाँच के लिए पहुँची थी और पूरा सहयोग परिवार वालों के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन असले की बात के ऊपर लेकर फिलहाल पेंच फंसा हुआ है। फिलहाल की तस्वीरें हिसार के डोगरन मोहल्ले तेलिया पुल से थी। आगे जो भी कार्रवाई होगी इस पूरे मामले में सिटी बिग न्यूज आपको दिखाता रहेगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।